हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक IBPS क्लर्क 2022। यह जो है नेशनलाइज्ड बैंक के लिए है। भारत में जितना भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, जैसे हो गया पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसी तरह से जितना भी भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसके लिए जो क्लर्क लेवल का पोस्ट जो है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा भरा जाना है। तो इस एग्ज़ाम में जो है सारा राष्ट्रीयकृत बैंक है, एक्सेप्ट सिर्फ छोड़ करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर ग्रामीण बैंक, ये तीनों बैंक को छोड़ करके बाकी जितना भी भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है, सभी में इस एग्ज़ाम के द्वारा क्लर्क लेवल का पोस्ट भरा जाना है। तो इसके लिए अप्लाइंग डेट जो है 1 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो है 20 to 28 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2022। एज रिलैक्सेशन इसमें OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का एज में छूट उपलब्ध है और SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का इसमें एज में छूट उपलब्ध है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है 8 डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, उसमें आर्ट, साइंस या कॉमर्स, कोई भी एक विषय के साथ। दूसरा, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को जो है आपको चलाने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपको जो है रीडिंग, राइटिंग और फिर जो है स्पोकन, तीनों जो है आपका उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो ये हो गए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एग्ज़ाम पैटर्न, इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो कि सितंबर 2022 में लिया जाएगा और फिर मेंस एग्ज़ाम अक्टूबर 2022 में। इसका दोनों एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट देखते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट तो इसमें जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपको 3 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पहला हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज आपको 30 क्वेश्चंस रहेगा, 30 क्वेश्चंस मैक्सिमम नंबर 30 मार्क्स का, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए आपको जो है टाइम लिमिट 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिक्स, इससे जो है 35 क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा और इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स 35 नंबर का रहेगा और इसके लिए भी टाइम लिमिट 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और तीसरा जो है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें भी जो है 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें भी 35 मार्क्स का होगा और इसमें भी टाइम लिमिट 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो टोटल क्वेश्चंस जो हो गया 100 क्वेश्चंस हो गया और टोटल मार्क्स आपको 100 मार्क्स का रहेगा। और टाइम लिमिट की बात करें तो जो है इसमें टोटल टाइम 60 मिनट है, लेकिन आपको जो है हर एक पेपर के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित किया गया है। आपको 20 मिनट में जो है आपको इंग्लिश पेपर सॉल्व कर देना है, उसके बाद जो है ये कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर नहीं आएगा। उसी तरह से जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको 20 मिनट में इसको सॉल्व कर देना है और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20-20 मिनट के लिए, मतलब हर एक सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम दिया गया है। उतना टाइम लिमिट के अंदर में ही आपको हर एक सेक्शन का सवाल को सॉल्व करना होगा। और दूसरा चीज़ इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, इसमें जो है 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 या फिर हम लोग कहें 0.25, एक रॉन्ग के लिए 0.25 नंबर आपको काट लिया जाएगा। अब देखते हैं इसका, ये तो प्रिलिमिनरी टेस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न है। अब हम लोग देखते हैं मेंस के लिए एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। तो PT और मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेंस में सिर्फ जो है एक जनरल अवेयरनेस पेपर और कंप्यूटर नॉलेज, ये दोनों पेपर तैयार करेंगे तो आपका जो है मेंस पेपर भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए जो PT और मेंस का तैयारी हम लोग एक साथ करेंगे, वो आगे चल करके हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर सकें। तो मेंस एग्ज़ाम में सिर्फ आपका जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर पेपर जो है बढ़ जाता है, बाकी सभी सेम रहता है। तो पहला इसमें सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस
मैक्सिमम मार्क्स, टाइम लिमिट। इसमें भी आपको हर एक सेशन के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा। तो पहला इसमें पेपर आएगा जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस। दूसरा आपका रहेगा जनरल इंग्लिश। तीसरा आपका रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। चौथा आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चंस रहेगा, आपको 50 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए आपको टाइम जो है लिमिट 35 मिनट का टाइम लिमिट दिया जाएगा, 35 मिनट टाइम। और उसी तरह से जनरल अवेयरनेस इसमें जो है आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क्स के लिए, और इसके लिए भी आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तीसरा जो है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, तो इसमें 50 क्वेश्चंस रहेगा 50 मार्क्स का, और इसके लिए आपको टाइम लिमिट 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है आपको 50 नंबर नहीं, इसमें नंबर 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलता है, 60 नंबर मिलेगा। 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 60 नंबर मिलेगा रीजनिंग प्लस कंप्यूटर में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 50 क्वेश्चंस रहेगा, इसमें आपको 50 नंबर मिलेगा, और इसके लिए भी आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 हो गया, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 हो गया, और टाइम जो है आपका 160 मिनट हो गया। तो इसमें भी देखिए मेंस एग्ज़ाम में भी आपको जो है हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित किया गया है। आपको 35 मिनट टाइम लिमिट के अंदर में ही आपको जो है जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस के सवाल को हल कर देना है। उसके बाद जो है ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन से हट जाएगा, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पेपर आएगा, उसको भी आप टाइम लिमिट के अंदर में आप सॉल्व करेंगे। मतलब एक बार टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद जो है आपको दोबारा वो पेपर फिर नहीं आएगा स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसमें भी आपको जो है, और मेंस एग्ज़ाम की खास बात है इसमें जो है आपको जो मेरिट प्रिपरेशन किया जाएगा, आपका जो है ऑल इंडिया मेरिट जो तैयार किया जाएगा सिर्फ जो है मेंस के नंबर के आधार पर। तो मेंस में जितना आप स्कोर करेंगे उसी से आपका जो है ऑल इंडिया मेरिट बनाया जाएगा। तो जो है मेंस का नंबर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और पीटी जो है सिर्फ जो क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ आपको पीटी में क्वालिफाई करना है, उसका नंबर जो है मेरिट प्रिपरेशन के लिए नहीं ऐड किया जाता है। और इसमें जो है इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/4 है, निगेटिव मार्किंग इसमें भी है 1/4। अब हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का कितना कट ऑफ गया था, उसके बाद हम लोग आगे फिर देखेंगे। तो नए स्टूडेंट के लिए पहले ये जानना जरूरी रहता है कि प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ पर सिलेक्शन होता है। कट ऑफ तो प्रीलिम्स टेस्ट के लिए पीटी के लिए जो है कट ऑफ जो है जनरल ओबीसी ये दोनों के लिए कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर का 76 था। ये 2021 का हम डाटा दे रहे हैं। तो ये तो हुआ प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए। पीटी में आपको जो है 100 नंबर में आपको 76 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। तो ये तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। तो इस बार का हम लोग मान करके चलते हैं कि आपको जो है 80 प्लस स्कोर करना है, कम से कम जो है आपको 80 नंबर स्कोर करेंगे तो जो है आप जो सेफ जोन में रहेंगे, आप जो है इससे बाहर नहीं होंगे।
और देखते हैं फिर मेंस का कट ऑफ, मेंस 2021 का कट ऑफ देखते हैं। इसमें दो तरह का कट ऑफ बनता है, मिनिमम कट ऑफ और मैक्सिमम कट ऑफ। मिनिमम मतलब सबसे कम नंबर पर जिसका सिलेक्शन होता है, और मैक्सिमम दूसरा उसमें सबसे ज़्यादा नंबर पर जिसका सिलेक्शन होता है। तो ये हो गया इसमें SC, ST, OBC, जनरल। तो इसमें जो है SC कैटेगरी में मिनिमम मार्क्स 22.38 है और मैक्सिमम मार्क्स 36.38। ST कैटेगरी में 27.38, मैक्सिमम 33.63। OBC कैटेगरी में 33.88 और 42.38 मैक्सिमम, और जनरल कैटेगरी में 37.63 और 49.88। तो जो है इसमें जो है आप देख सकते हैं 22 SC कैटेगरी में 22.38 मिनिमम नंबर है और मैक्सिमम नंबर 36.38। मतलब इस नंबर से जहां से स्टार्ट हो रहा है और इस नंबर से जहां पर लास्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों के बीच में जितना भी कैंडिडेट आया होगा सभी का सिलेक्शन हो गया होगा। तो यही बता रहा है कि मिनिमम कट ऑफ इतना पर गया और मैक्सिमम कट ऑफ इतना पर गया। और एक चीज़ और इसमें जो है मिनिमम मेंस में जो है कट ऑफ जो है इसमें काफ़ी कम स्कोर पर होता है। इसमें देख रहे हैं 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 200 नंबर का, तो उसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो है जनरल की अगर बात करें तो 49.88 दिया गया है मैक्सिमम कट ऑफ। तो जो आप जितना स्कोर करेंगे मेंस में, जितना आपको नंबर आएगा, मान लेते हैं 150 नंबर आया आपका मेंस में, तो उसको बदल दिया जाएगा। ये तो दिखा रहा है 200 नंबर में, इसको बदल दिया जाता है 100 नंबर के आधार पर आपका कितना नंबर आता है। तो उसमें हो गया इस तरह से 75 नंबर। तो ये दिखा रहा है आपको जो है, ये सभी नंबर देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी कम स्कोर है, तो इसको 100 नंबर में प्रोपोर्शन के अनुपात में बनाया गया है, इसीलिए इसका नंबर जो है कम दिख रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है, ये तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, अब इसका जो है कट ऑफ कैसे तैयार होता है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपको दो तरह का कट ऑफ बनता है, सेक्शनल कट ऑफ और दूसरा ओवरऑल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ में जैसे हो गया PT के लिए देते हैं, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। मान लेते हैं कि IBPS बोर्ड के द्वारा, तो यहाँ आपका जो है एग्ज़ाम में इंग्लिश 30 नंबर का रहेगा, ये 35 नंबर का, ये भी 35 नंबर का। IBPS बोर्ड के द्वारा मान करके चलते हैं इंग्लिश में 10 नंबर पास मार्क्स रखा गया है, रीजनिंग में 15 नंबर और मैथ में भी 15 नंबर। तो इस तरह से हो गया आपका 40 नंबर, ये सेक्शनल कट ऑफ हुआ। आप बोला जाएगा आप जो है कि ओवरऑल कट ऑफ सभी को मिला करके आप इतना नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो है 76 था, तो मान के चलते हैं कि इस बार का 80 नंबर आया कट ऑफ। कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ जो है रखा गया 80 नंबर। तो कोई कैंडिडेट का, ये तो IBPS का हो गया, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट का नंबर आया इसमें 15 नंबर आया और इसमें 20 नंबर आया, इसमें भी 20 नंबर आया, तो 20 40 55 नंबर हो गया इसका 55 नंबर। तो कोई कैंडिडेट का जो आ रहा है इसमें 55 नंबर, तो यहाँ इंग्लिश में वो पास है, 10 नंबर चाहिए। IBPS बोर्ड के द्वारा ये नंबर तय किया गया है, एक एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं। तो इंग्लिश में जो है 30 नंबर में 10 नंबर पास मार्क्स रखा गया, और कोई कैंडिडेट का आया है 15 नंबर, तो इसमें पास है, इस सेक्शन में पास हो गया। दूसरा कंडीशन है कि रीजनिंग में 35 नंबर का है, उसमें IBPS बोर्ड के द्वारा 15 नंबर रखा गया है, तो उसमें उसने स्कोर किया 20 नंबर, तो इसमें भी आप पास कर गए हैं और इसमें भी आप पास कर गए हैं। तो ये जो है मिनिमम ये हो गया 40 नंबर, मतलब हर एक सेक्शन में आपको इतना इतना लाना था, 15 30 10 40 ये नंबर। तो इतना में आप पास नहीं समझाएंगे, उसके बाद जो है आपको
ओवरऑल कट लाने के लिए बोला जाएगा कि तीनों पेपर मिला करके आपका जो है 80 नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 55 नंबर, तो यहाँ आप जो है बाहर हो जाएंगे, यहाँ पर आप फेल कर जाएंगे। तो इसलिए इसमें जो है बैंकिंग एग्जाम में आपको दो कट ऑफ पार करना पड़ेगा, एक सेक्शनल कट ऑफ और दूसरा जो है ओवरऑल कट ऑफ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, हम लोग किस तरह से तैयारी करेंगे। तो बुक्स के लिए पहला तो आता है जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस या फिर इसको हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस इसमें बोलते हैं। फाइनेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको बैंकिंग से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितना भी फाइनेंशियल न्यूज है, या फिर जो है कह सकते हैं दूसरे शब्दों में आर्थिक गतिविधि भारत का जितना भी इकोनॉमिक सेक्टर का जितना भी न्यूज है उससे रिलेटेड आपको सवाल इसे पूछा जाएगा। तो इसमें जो है आपको मिल जाएगा BSC बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल, ये एक मैगजीन आता है, उसमें आपको सारा रिसेंट अब करेंट अब नॉलेज मिल जाएगा। ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में आता है, कोई भी आप पढ़ सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। मंथली मैगजीन आता है, तो आपको एग्ज़ाम से पहले का जो है 6 मंथ का आपको पढ़ लेना है, जिस मंथ में एग्ज़ाम है उसे पहले का आपको 6 महीने का बैंकिंग सर्विस कैनोनिकल मैगजीन पढ़ लेना है। दूसरा प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण यह भी हिंदी या इंग्लिश में आता है, इसको भी जो है आप एग्ज़ाम से पहले का 6 मंथ का पढ़ लेंगे। तो इतना में आपको जो है जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपका जो है सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, मैक्सिमम पार्ट जो है आपका बैंकिंग से रिलेटेड नॉलेज जो है आपको इसमें बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल में आपको मिल जाएगा। और कुछ पार्ट जो है आपको इसे भी बहुत सारा पार्ट आपको मिलेगा प्रतियोगिता दर्पण से भी। अब आते हैं जनरल इंग्लिश के लिए, तो जनरल इंग्लिश के लिए पहला तो एक एनी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक पढ़ना है, जो कि होना चाहिए 10+2 लेवल का, इंटर लेवल का कम से कम होना चाहिए। तो एक कोई भी एक जो है एक स्टैंडर्ड ग्रामर बुक पढ़ेंगे, और दूसरा इसमें पढ़ना है आपको करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, ये आता है उपकार प्रकाशन का। तो बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश में जो है आपको मैक्सिमम सवाल कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल रहता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्रामेटिकल एरर, तो वो उसमें हो सकता है, या तो फिर प्रीपोजिशन से हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो सकता है, इस तरह से आपको जो है सवाल पूछा जा सकता है। तो उसको आप प्रैक्टिस करने के लिए आपका मैक्सिमम पार्ट जो है कॉमन एरर जो है इस बुक से आपका पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो इस पर आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोई दूसरा बुक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और तीसरा इसमें पढ़ना है आपको एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई भी आपको जो है इसमें इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इसमें आपको इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, पहला तो इसका कंप्रिहेंशन स्किल आपका डेवलप होगा,
कोई भी आप पैसेज को आपको एग्जाम में दिया जाएगा कम्प्रिहेंशन, एक सब एक पे एक क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा, उसमें जो है 5 क्वेश्चन जो है उसे क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड सवाल रहेगा, और जो है 5 क्वेश्चन जो है एंटोनिम से रहता है, और फिर 5 क्वेश्चन सैनोनिम से रहता है। तो उसमें जो है आपको जो है वो समझने के लिए तो आप डेली का आपका आदत बना रहेगा, न्यूज़पेपर से जो है आपको उसमें एडिटोरियल सेक्शन अवश्य पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ करके समझना है, ताकि जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्रिहेंशन स्किल आपका डेवलप हो, कोई भी चीज़ पढ़ करके आप आसानी से समझ सकें। तो एग्ज़ाम में जो है अननोन आप जो है पहले उसको नहीं कभी देखे होंगे, वैसा टॉपिक से उठा करके दिया जाता है, तो कम्प्रिहेंशन स्किल हो गया। दूसरा इसमें आपका जो है वोकैबुलरी आपका मजबूत होगा, तो ये तो हो गया जनरल इंग्लिश के लिए। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो है आप आरएस अग्रवाल का बुक बना सकते हैं, एस चंद पब्लिकेशन में आता है। इस बुक को बनाने के बाद आपको कोई दूसरा बुक बनाने का ज़रूरत नहीं है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो इतना सारा तो हो गया, अब हम लोग देखते हैं इसका रीजनिंग पेपर का एक देखते हैं इसमें। रीजनिंग के लिए एडवांस रीजनिंग, और बैंक क्लर्क, ये आपको उपकार प्रकाशन में मिल जाएगा, और दूसरा बुक पढ़ना है इसमें ए मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग। यह भी आपको आर एस अग्रवाल का बुक आता है, और एक बुक और देख सकते हैं एन एडवांस्ड अप्रोच टू डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी आर एस अग्रवाल का बुक आता है। और लास्ट में जो है कंप्यूटर का एक बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में जो है ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आता, आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें जो है 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जो है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके वेबसाइट पर आप जा करके 10th लेवल का या फिर 12th लेवल का कंप्यूटर पेपर, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, उतना आपको लिए काफ़ी है, सिर्फ जो है आपको 10 से 15 नंबर आपको इसमें स्कोर करना कंप्यूटर्स में, तो इसमें विशेष ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके वेबसाइट पर जाइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर का बुक पढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए भी इतना बुक काफ़ी है, इतना बना लेते हैं आपके लिए काफ़ी है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए हम लोग स्ट्रेटजी किस तरह से बनाते हैं। सबसे मेन होता है आपका स्ट्रेटजी, आप कितना भी तैयारी कर लें लेकिन अगर आपका स्ट्रेटजी सही नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे, 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए देंगे। जिसे हम लोग आत्ममूल्यांकन बोलते हैं। तो यह हो गया सब्जेक्ट स्टडी और सेल्फ असेसमेंट। तो सब्जेक्ट स्टडी में आपको जो है पहला काम करना है, चूज वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। रीड टू टू थ्री टाइम्स सेम बुक। तो इसमें जो है आपको पहला काम करना है, सभी विषय के लिए आपको एक एक बुक आपको सेलेक्ट करना है, आपको जो भी पढ़ने में आपको समझने में आसान लगे। तो सभी पेपर के लिए एक एक बुक सेलेक्ट कीजिए। तो अब दूसरा काम करना है, रीड टू टू थ्री टाइम्स सेम बुक। एक ही बुक को आपको कम से कम आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। 3 बार तो आपको उतना पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 महीने के बाद कंपटीशन एग्जाम में 2 से 2.5 महीना आपको टाइम मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए। तो कम से कम आपको 2 बार अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। तो इसका जो है आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी चीज़ पढ़ेंगे आपका जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, लंबे समय तक आपको आपके याददाश्त में बना रहेगा। और दूसरा चीज़ आपका रिवाइज भी हो जाएगा। फिर तब देखते हैं सब्जेक्ट स्टडी में हम लोग स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे। तो सब्जेक्ट स्टडी में जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें जो है मेंस के एग्ज़ाम में इसमें इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश जो है आप इसमें अगर मेंस में देखते हैं आपको 40 नंबर और जीके आपको 50 नंबर का है। तो 50 40 90 नंबर, तो आप इंग्लिश पेपर मजबूत कर लेते हैं और जीके पेपर मजबूत कर लेते हैं 50 40 90, तो ये हो गया 90 नंबर का टोटल। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका रहना चाहिए, इसमें फोकस रहना चाहिए कि आपका जो है 80 नंबर यहाँ से स्कोर कर लें। 80 के लगभग 5-5 नंबर दोनों में छोड़ भी देते हैं, ठीक है। 40 नंबर में आप 35 नंबर यहाँ से स्कोर कीजिए और 50 नंबर में 45 नंबर, 50 में 45, तो आपका 80 प्लस तो आपका सिलेक्शन होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो अगर आप जो है उस पार्ट में कम भी स्कोर करते हैं, मैथ में 50 नंबर का रहता है और जो है रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के 60 नंबर, तो ये दोनों में मान के चलते हैं आप 30-30 नंबर भी आप स्कोर कर लेते हैं, 30-30-60, तो आपका जो है मिनिमम कम से कम आपका हो गया 140 के आसपास आपका आ जाएगा। तो एक एवरेज आपका दिए कि आप, तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम से कम अगर आप इतना भी बना लेते हैं 30 नंबर 30 नंबर, क्योंकि इसमें रीजनिंग और मैथ बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए इतना मान कर चाहिए। इतना भी अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसमें कम टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसमें बना सकते हैं और काफ़ी स्कोरिंग होता है, इसलिए इस दोनों पेपर पर आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। कम मेहनत करके आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ और रीजनिंग को आपको बिल्कुल छोड़ देना है, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट पर, कैसे हम लोग जितना भी हम लोग सब्जेक्ट स्टडी किए हैं उसको हम लोग कैसे जांचेंगे, कैसे हम लोग उसका हम लोग आत्ममूल्यांकन करेंगे कि कितना हम लोगों ने सीखा है या फिर कितना पाठ हमारा बचा हुआ है। तो उसके लिए पहला जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए या फिर प्रैक्टिस सेट लीजिए,
अब उसके बाद करना है आपको डेली 3 मॉक टेस्ट देना है, डेली आपको 3 मॉक टेस्ट देना है। टू मॉक टेस्ट, टू मॉक टेस्ट फॉर पीटी एग्जाम के लिए और 1 मॉक टेस्ट फॉर मेंस एग्जाम के लिए। तो डेली आपको 3 टेस्ट इसमें देना है, 2 मॉक टेस्ट देना है पीटी एग्जाम के लिए और 1 मॉक टेस्ट देना है मेंस एग्जाम के लिए। तो इसमें जो है आपका आइए इसमें 200 मॉक टेस्ट पीटी के लिए प्लस 100 मॉक टेस्ट मेंस के लिए। आपको कंप्लीट करना है बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले तक। इतना आपके पास टाइम है, सितंबर में आपका एग्ज़ाम है तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो 2.5 महीने का भी टाइम हो गया, तो आपका तो इतना बना सकते हैं। तो दोनों टेस्ट इसलिए दिए हैं कि आपका जो है पीटी और मेंस में जो है ज़्यादा अंतर नहीं है, आप जो है दोनों का तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अगर पीटी और मेंस की बात करें, सिर्फ आपका जो है इंग्लिश, सिर्फ आपका जीके और कंप्यूटर नॉलेज सिर्फ एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, जीके और प्लस कंप्यूटर, और बाकी सारा पेपर आपका जो है मैथ आपको देना ही है, पीटी में रीजनिंग आपको देना ही है, इंग्लिश आपको देना ही है। इतना पार्ट आपको पीटी में भी मिलेगा और मेंस में भी मिलेगा, दोनों पार्ट में आपको मिलेगा। तो दोनों का टेस्ट एक साथ देने से आपका एक साथ तैयारी हो जाएगा, पीटी का भी तैयारी एक साथ हो जाएगा, फिर जो है आपको मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। ऐसा करेंगे कि सिर्फ जो है अभी पीटी का टेस्ट देंगे, मेंस का टेस्ट जो है पीटी में क्वालिफाई करने के बाद देंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, क्योंकि फिर जो है आपको टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा। पीटी क्वालिफाई करने के बाद 15 दिन से 1 महीना के अंदर में आपका मेंस का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो शुरू में स्टार्टिंग में जो है आप कर सकते हैं 2 मॉक टेस्ट जो है पीटी के लिए दीजिए डेली और 1 मॉक टेस्ट मेंस के लिए, और जब पीटी में क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो उसके बाद जो है 2 मॉक टेस्ट डेली जो है मेंस का कर दीजिए, ज़्यादा बनाने का ज़रूरत नहीं है मेंस के लिए। तो इतना मॉक टेस्ट सारा इसलिए दिए हैं कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, और दूसरा चीज़ जो है इसमें सेक्शनल टाइम लिमिट है, हर सेक्शन के लिए आपको टाइम लिमिट किया गया, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है आपका उतना आप परफॉर्मेंस बढ़िया कर पाएंगे। तो इतना मॉक टेस्ट देने के बाद जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, आप तीनों सुधार कर सकते हैं। तो डेली मॉक टेस्ट देने से पहला नंबर तो आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, कोई भी सवाल बनाने का आपका स्पीड घट, जितना जल्दी जल्दी बना सकते हैं टाइम लिमिट उससे कम हो जाएगा। फिर एक्यूरेसी, फिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका सवाल सही होगा, एक ही सवाल को आप बार बार एक ही टाइप का अगर आते रहेगा तो जो है आपका सही होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको निगेटिव से बचना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। तीसरा टाइम लिमिट, टाइम मैनेजमेंट करना है, आप टाइम लिमिट के अंदर में हर एक सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट इसमें बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए खास इम्पोर्टेंट इसका रखता है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।